आपके सामने LCA तेजस है, ये FOC वेरिएंट है, और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके नीचे एक फ्यूल टैंक लगा हुआ है, दो अस्त्रा VVR लगाई गई हैं इसके ऊपर, दो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं, नहीं आई थिंक एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, एक डम बॉम्ब है, और साथ में क्लोज CC, हाँ क्लोज कॉम्बैट है, तो दो विद इन विजुअल रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स भी लगाई गई हैं। अगर हम लोग इसको और ज़्यादा क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको रिफ्यूलिंग प्रोब दिखाई देगा, और तो ये LCA तेजस है, और तेजस के साइड में खड़ा हुआ है दासो एविएशन का रफाल। लेट्स गो क्लोजर टू रफाल। और यहाँ पर रफाल में आपको एक स्काल्प दिख रहा होगा, दो फ्यूल टैंक, और आई थिंक माइका विंग टिप पर लगाई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेपन सिस्टम स्टैंडर्ड है। रफाल के आगे है मिराज 2000। चलिए वॉक करते हैं और मिराज 2000 के करीब पहुँचते हैं। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसमें भी दो फ्यूल टैंक लगी हुई हैं, और आई थिंक चार माइका लगाया हुआ है। ये देखना पड़ेगा कि माइका पीछे भी लगा है कि नहीं, वो हम लोग क्लोजली जाएंगे तब समझ में आएगा। तो पीछे भी माइका लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर 6 माइका है इसमें। बालाकोट बॉय, उसके बगल में है जैगवार, जैगवार फाइटर बॉम्बर, उसमें आप एंटी रनवे बॉम्ब 100 देख सकते हैं, और शोल्डर के ऊपर आप एशरैम देख सकते हैं, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। और उसके आगे देखेंगे तो आपको अपाचे दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले जैगवार को और क्लोजली अगर आप देखेंगे तो उसकी ऑटो कैनन यहाँ से दिख रही है, और बॉडी के साथ कितने शानदार तरीके से इसकी कैनन को मर्ज किया गया है, ब्लेंड किया गया है, वो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये मशीन मेरे को बहुत पसंद है, इसके एयर इंटेक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके आगे है अपाचे, तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी चल रही है, इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ, और फिर मूव करेंगे। तो अगर अपाचे को यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो लॉन्गबो रेडार वो उसका हाईलाइट है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंटी एयरक्राफ्ट यानी एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। विंग टिप पर कॉर्नर पर आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली स्टिंगर लगाई गई है। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जानने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सी मिसाइल सिस्टम वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर स्टिंगर दिख रही है अलॉन्ग विद द हेलफायर, और बाकी तो स्टैंडर्ड लोड आउट है, फ्यूल टैंक, रॉकेट पॉड। आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं आगे, तो यहाँ पर नेवल वेरिएंट आपको दिख रहा है ध्रुव का, ये ध्रुव Mark III है, और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसके नाक के नीचे दिखाई देगा आपको, और रेडार नोज है यहाँ पर। वहाँ पर आप एक देखेंगे एक सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ बेसिकली सर्च लाइट, और यहाँ पर एक और आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ये फैसिलिटेट करता है आप रोप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं उसकी मदद से। फिर उसके बगल में आपको ALH दिखेगा,
तो हम लोग क्लोजली चलते हैं, देखते हैं एक बार ALH को। ये सिविल वेरिएंट है ALH का। स्पेक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके साइड में इस सिस्टम को लेकर यहाँ पर कुछ मार्क नहीं किया गया है, लेकिन क्या ये हॉक है? लुक्स लाइक हॉक, पर इसको कुछ मार्क नहीं किया गया है, तो देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे बाद में जब टाइम होगा। फ़िलहाल के लिए इसको आप देख लीजिए। और ये आपका टेस्ट बेड है जिसके ऊपर रेडार टेस्ट किया जाता है। अगर आप इसके नोज लैंडिंग गियर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक और सिस्टम दिखाई देगा जिसकी मदद से इसको टो किया जाता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये रेडार फ्लाइट ट्रायल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आप इसकी नोज कोन को देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली उत्तम ईसा रेडार लगा हुआ है अंदर, और उसको इसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पर आई थिंक इसको भी नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये इंडियन नहीं है सिस्टम जो यहाँ पर प्लेस किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग राउंड करके, आपको वहाँ पर हंसा दिखाई देगा, और हंसा के साथ साथ उसके साइड में एक ड्रोन लगाया गया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर है हंसा NG फ्रॉम NAL, CSIR NAL का हंसा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। हंसा को लेकर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम। और इसके बगल में जो दूसरा सिस्टम लगाया हुआ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये सिंगुलैरिटी एरोस्पेस की तरफ से बनाया जा रहा है। इसका नाम है ब्रावो टैंगो 1002। ये बेसिकली इसरो के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अगर आप इसके नीचे देखेंगे ध्यान से तो कुछ लाइटनिंग म्यूनिशन टाइप कुछ दिख रहा है नीचे। ये फिक्स विंग सिस्टम है, और इसका एक और वेरिएंट जो एक्चुअली कंपैरेटिवली छोटा होगा, उसको लेकर हम लोगों ने इस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी। उस वीडियो को हम लोग साथ में डालेंगे। और इसके बगल में आपको दिख रहा है द माइटी नेत्रा। वैसे नॉर्मली हम लोग इसको देखते हैं तो लगता है यार बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम है। और इसके ऊपर आपका वो एंटीना अरे यूनिट दिख रहा है आपको। आपको साइड में सारे सेंसर्स दिखेंगे, चाहे वो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम्स हो। विंग टिप पर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नेत्रा के बाद डॉर्नियर लगाया हुआ है, और डॉर्नियर के साइड में C-130J सुपर हरक्यूलीज। सुपर हरक्यूलीज भी अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सुपर हरक्यूलीज और एम्ब्रेयर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। नॉर्मली ऐसा लगता है कि C-17 बहुत बड़ा है और एम्ब्रेयर EJ-145 छोटा है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है। यहाँ पर अगर आप डॉर्नियर को देखेंगे तो डॉर्नियर आपको काफ़ी छोटा दिखाई देगा, लेकिन एम्ब्रेयर इज़ बिग। और ये रहा आपका C-130J सुपर हरक्यूलीज। तो सुपर हरक्यूलीज, और पीछे आपको Su-30 MKIs वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, ये डॉर्नियर सिविल है। यहाँ पर आकर एक चीज़ क्लियर हो गई थी, इसको तो मैंने वैसे ही मतलब इग्नोर कर दिया था, दैट वाज नॉट राइट, बट ये सिविल वेरिएंट, तो दिस इज़ डिफरेंट। और आगे अगर आप वॉक करेंगे तो आपको दिखाई देगा समर जो आर्मी ने बनाया था। ये बेसिकली
इन्वेंट्री में जो हम लोगों के शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स यूज़ करती हैं, उनको यूज़ करके बनाया गया है। और उसके साइड में खड़ा हुआ है माइटी Su-30 MKI। ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अगर आप सुपर हरक्यूलीज को इधर देखें और Su-30 MKI को देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि Su-30 MKI एक फाइटर जेट है जो छोटा और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। Su-30 MKI देखिए और इधर तेजस देखिए, रफाल तेजस, पीछे सुपरहॉर्नेट, एंड देयर यू हैव Su-30 MKI। अच्छा, इंटरेस्टिंग लोड आउट है इसका। आपको लाइटनिंग पॉड दिख रहा होगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिख रही होगी, R-77 दिख रही होगी, R-27 दिख रही होगी, R-73 भी दिख रही होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोड आउट है। और IRST को हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ी देर तक आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर खड़े होके आप इसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल मज़ा आया इसको देखकर। और ये है पूरा एरिया। सुपर हॉर्नेट यहाँ पर खड़े किए गए हैं, लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 और F-16 को थोड़ा दूर खड़ा किया गया है। मे बी कल शायद आगे किया जाए, लेकिन आज के लिए ऐसा ही है। F-16 और F-35 लाइटनिंग 2 को हम लोग एक और वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो दूसरा आप वीडियो पर नज़र रखिएगा, क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियसली बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली YouTube आपको वो नोटिफिकेशन नहीं देगा। चलिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।